थी इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने की, अब कहां से लाके दोगे इतने सारे पैसे? वाह देवर जी, क्या दिन दिखाया है आपने हम सबको। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया आपने। आकाश जी रुकिए, जो पैसे मैंने आपको दिए थे वो मेरे लोन के किस्त चुकाने के पैसे थे। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे, मेरा लोन कौन भरेगा? बड़ा नाज था मुझे तुम पर, लेकिन आज तुमने मेरा गुरु, मेरा भरोसा, सब कुछ तोड़ दिया। आकाश जी आपसे कुछ कह रहे हैं। मैं लेता हूं आपकी जिम्मेदारी इस कर्ज को उतारने के लिए। मैं बहुत जहाँ इस घर को भेज रहा हूं। आकाश जी आप हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनूं पूनम जी, सब बर्बाद कर दिया, मैं सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। इस परिवार की खुशियां, ये घर, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। जैसे नाकाम और बेकार आदमी को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मर जाना चाहिए मुझे। बस आकाशी बहुत हो गया। आपको क्या लगता है आपके मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक गलती ही हो गई है ना, क्या आप मरने की बातें करेंगे? आप आकाश गर्ग नहीं, आकाश जी आप आकाशी है ही नहीं जिन्हें हम जानते हैं। हमारे आकाश जी इतने कायर, इतने बुजदिल नहीं है। वो तो बहुत ही मिट्टी के बने, और वो तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो जीत नहीं जाते। और आकाश जी हम आपको लड़ते हुए देखना चाहते हैं, जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों शायद आप अपने आप को भूल चुके, लेकिन हमारी आंखों में आपकी असली अहमियत आज भी बरकरार है। आज भी आप एक सच्चे बेटे और एक अच्छे पति जिन्होंने अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझा और निभाया है। फिर आज आप उन जिम्मेदारियों से भागने की बात कैसे कर सकते हैं? कष्ट हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन एक चीज हम आपको कभी नहीं भूलने देंगे, वो है उम्मीद। उस उम्मीद के सहारे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं, और अब वक्त आ गया उम्मीद के सहारे एक नई शुरुआत करने का, सब गलत को सही करने का। उसके लिए सबसे पहले उस कमल को उसके किए की सजा दिलवानी होगी, पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाकर। हां पूनम जी, ये सब कुछ मैंने बिगाड़ा है ना, तो इसे सुधारूंगा भी मैं ही। सुधारना ही पड़ेगा आकाश जी, किसी भी कीमत पर। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। अब देखिएगा हम मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है आकाश जी, हमें सब कुछ सही करना ही पड़ेगा, हर हाल में, हर कीमत पर।
एक सही नहीं कीजिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको तकलीफ देने वाले उस लड़के कमल को सख्त से सख्त सजा मिले। धन्यवाद। जैसा कि मिस्टर मित्तल चाहते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम हमने कर लिए। ऑलराइट। और इस शादी में आपके सभी आने वाले वीआईपी गेस्ट को टॉप क्वालिटी की सर्विस देंगे। जो भी हो इंस्पेक्टर, शादी में सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और शादी खत्म होने तक वी नीड 24/7 सिक्योरिटी। आप तो जानते ही हैं मिस्टर मित्तल की इकलौती बेटी की शादी है, तो ये फंक्शन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हैं। अगर मिस्टर मित्तल चाहते तो ये शादी यूके में भी करवा सकते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने इस छोटे से शहर सीतापुर से बहुत लगाव, तभी तो अपनी बेटी की शादी वो यहाँ पर कर रहे हैं। 150 गेस्ट तो सिर्फ अमेरिका से ही आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये इवेंट कितना बड़ा होने वाला है। हमारी कुछ ही देर में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग है, जहाँ पे हमें सब कुछ फाइनल करना है ताकि हम जल्दी इस शादी की शुरुआत कर सकें। Can I meet the ACP quickly? हाँ चलिए, सब अंदर ही। ये जो भी अंदर गए, ये कौन है? ये मित्तल साहब के मैनेजर थे। मित्तल साहब? अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक है वो आज की तारीख में। आकाश जी, आपको नहीं लगता कि आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए? कोशिश? कैसी कोशिश पूनम जी, क्या क्या कह रही हैं आप? वो मित्तल साहब, वो अपनी बेटी की शादी के लिए सीतापुर आए, इसके लिए उन्हें एक अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत है, और हमारे ख्याल से आपसे बेहतर और कौन हो सकता है सीतापुर में? पूनम जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मालूम है ना अभी 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 कितना बड़ा हादसा हुआ है, और उसके बाद भी आप कह रही हैं कि मैं? आकाश जी, हम कर लेंगे, और कुछ दिन पहले जो कुछ भी बुरा हुआ है हमारे साथ, उसको सही करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? हमें लगता है कि भगवान ने हमें बहुत ही बड़ा और अच्छा मौका दिया है, एक ही साथ इतने सारे पैसे कमाने का। लेकिन इस बड़े मौके के चक्कर में पिछली बार मैं इतना बड़ा इवेंट करने गया था, और हुआ क्या? मैं अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आकाश जी, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप उम्मीद मत छोड़िए। सिर्फ 2 दिन में आपने इतना बड़ा इवेंट खड़ा कर दिया था लखनऊ में, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मैं आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, लेकिन वो चीज़ दोबारा नहीं हो इसकी वजह से आप इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने देंगे, ये भी तो सही नहीं है ना। तो थैंक यू सो मच मिस्टर शर्मा। यू वेलकम। आकाश प्लीज, कम से कम एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए। प्लीज आकाश जी, एक बार जाकर उनसे बात कर लीजिए। सर सुनिए। यस, जी नमस्ते, मेरा नाम आकाश गर्ग है, ये मेरी पत्नी पूनम गर्ग। नमस्ते। नमस्ते। मैं सीतापुर में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम करता हूँ। मित्तल साहब की बेटी की शादी के बारे में सुना तो सोचा आपसे बात कर लूँ। देखिए मिस्टर गर्ग, यू आर लेट नाउ। इस वेडिंग इवेंट की एड हमने सारे न्यूज़पेपर्स में दे दी थी। सारे के सारे ऑर्गेनाइजर्स अगले 3 घंटे में अपना प्रेजेंटेशन लेके हमसे मिलने वाले हैं। जिसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाएगा। आप हमें थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? नो मैम, आई एम सो सॉरी, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, हमें आज ये डील फाइनल करनी ही होगी। और वैसे भी सारे ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप लोग इतने कम समय में ये काम कर पाएंगे। हम कर लेंगे। What? जी, 3 घंटे में हम प्रेजेंटेशन तैयार कर लेंगे। ओके, देन यू आर ऑल्सो वेलकम। 3 घंटे में आप लोग हमें अपने प्रेजेंटेशन के साथ ट्रिनिटी बिजनेस पार्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलिए। ऑर्गेनाइजर का सिलेक्शन वहीं पे होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
पूनम जी, ये आपने क्या कह दिया? 3 घंटे में हम इतने बड़े काम की तैयारी कैसे करेंगे? देखिए आकाश जी, 3 घंटे में प्रेजेंटेशन बनाना बड़ी बात नहीं है, और हम है ना आपके साथ, आपकी मदद करने के लिए। और चाहे कुछ भी हो, कम से कम इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि हमें मौका मिला और हमने कोशिश भी नहीं की। क्या आकाश, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम फिर से वही पागलपन करना चाहते हो? आकाश बेटा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर पाओगे? अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मुझे पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन लेकिन हमने इनसे कहा कि इन्हें ऐसा करना चाहिए। देवर जी तो पहले ही काफी भला कर चुके हैं इस घर का, ये क्या काफी नहीं है? और पूनम, तुम तो पढ़ी लिखी और समझदार हो ना, तुम पर कब से ये बचकाना धुन सवार हो गई है? मैं बचकानी धुन वाली कौन सी बातें करूं भाभी, और कोशिश करने में नुकसान ही क्या है? पूनम जी, इसमें तो फायदे नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है जी, और मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन इस आकाश की वजह से जो इस हमारे घर पे आफत के बादल मंडरा रहे ना जी, तो इस समस्या का निवारण सबसे पहले जरूरी है जी। उसी निवारण के लिए तो हमारे सामने इतना बड़ा और इतना अच्छा मौका आया है, तो फिर हम इसे हाथ से कैसे जाने दें? पूनम बेटा, क्या ये रिस्क लेना जरूरी है? रिस्क तो हम सभी ले रहे हैं बाबूजी, हालात ने हमें हमारे घर को बेचने के कगार में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो शायद इस घर को बेचना ना पड़े। आकाश बेटा, तुम्हें क्या लगता है, तुम ये काम कर पाओगे? पता नहीं बाबूजी, लेकिन लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर इस काम की जिम्मेदारी और जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्ही दोनों की होगी। ठीक है बाबूजी। हम लोग पहले बैठकर कुछ खा लो। नहीं दादी जी, प्रेजेंटेशन रेडी करके हमें अभी निकलना है, हम आकर खा लेंगे। चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। Star Plus के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Star Plus YouTube पेज को।